अल्लाह वेलकम टू पैसा बोलता है विदानजुम इब्राहिम खुवाीन अदाद आज हम फोकस करेंगे ऑन द स्टेट ऑफ द इकानमी और क्या ग्रोथ के क्या पोटेंशल है पाकिस्तान का सो फार फॉर द पास्ट टू थ्री इयर्स वी हैव बीन द स्लोएस्ट ग्रोइंगानी इन द रीजन और ये अपार्ट फ्रॉम वॉट ऑन अफ़गानिस्तान डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशाह साहब हैं अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर बींग डॉक्टर साहब क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के जी mm -hmm. देखिए पिछले दो साल में ग्रोथ का प्रोसेस कुछ इम्प्रूव हुआ था mm -hmm. मगर वो अनसस्टेनेबल था इसलिए कि जब आपने डिमांड क्रिएट किया तो आपने इतनी इम्पोर्ट्स बढ़ा ली अपनी mm -hmm. कि वो गैप आपका जो है करंट अकाउंट ट्रेड का बहुत बढ़ गया तो कोशिश ये की जा रही है और ये सिलसिला शुरू हुआ था गवर्नमेंट के, के जमाने में उन्होंने ये किया कि एक वक्त पे बहुत बड़ा कट हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिया है और उसके नतीजे में आखिरी दो महीने में तकरीबन चालीस फीसद कम रिलीज़ दिए उससे स्लो डाउन का प्रोसेस शुरू हुआ है बड़ा इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सीमेंट का सेक्टर देख लीजिए कि मार्च के महीने तक इस साल के बीस से पच्चीस परसेंट ग्रोथ थी उसके बाद में वो सात परसेंट नेगेटिव पे चले गया है ग्रोथ रेट तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो गई डू थिंक इमरान खान साहब हाउसिंग हाउसिंग वो जो कह रही है फिफ्टी जो होंगी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज वो मुश्किल लगता है इस वक्त आपके पास वो गुंजाइश नहीं, नहीं है और आपको फर्दर कंसोलिडेट करना है दो तीन अलबत्त ग्रोथ तो प्रोसेस तो काफ़ी कम हो गया और बड़े मुश्किल से आपकी इंडस्ट्री में पॉजिटिव ज़्यादा ग्रोथ हो गई एग्रीकल्चर में भी आप देख लिए कि इस साल पोजिशन ये रही है कि कॉटन क्रॉप वज डिसपॉइंटिंग और अब रबी में पानी की भी कमी है लिहाजा इस साल आपकी जो वो कमेंट क्लेम करती रही पिछली वाली की तकरीबन पाँच आशार या आठ फीसद ग्रोथ रेट रहा चलें पाँच आशार या आठ तो नहीं था पाँच तो होगा अब इस साल साढ़े तीन और चार के बीच में अगर वो हो जाए तो इट वीबल देखिए इस वक्त आपके पास जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड और आपकी एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट इन दो को मिला लिए अगर आप ऑप्टमिस्टिक एजम्पन्स मिलें तो 27 अरब डॉलर चाहिए आपको इसलिए जब वो कहते हैं कि तीन अरब डॉलर जब सऊदी अरेबिया से आ गया मसला हल हो गया सीरियस बिग प्रॉब्लम अलबत् जो पॉजिटिव चीज है एक तो, तो वित वित और और ये है कि कुछ कमी आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में आना शुरू हो गई है वो इंडिकेशन इस तरह मिला है कि अभी जो फिगर्स आए अक्टूबर के चार महीने के फिगर्स मिल गए आपने जो मेजर्स लिए ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ बोल्ड मेजर्स लिए कि उन्होंने पर करेंसी को गिराया सुन so उसका कुछ नतीजा आना शुरू हो गया है बिग मूव है Now. With I the mean there's there's a la time lag yes, yes. and there's been an impact now. दूसरी तरफ जो मैं समझता हूँ कि कोशिश गवर्नमेंट ने जो की है एक्सपेंडिचर को काटने की कोशिश यकीन की है बट गलत एक्सपेंडिचर को काटने की कोशिश की है सबसे पहला जो मैसेज था पाकिस्तान current expenditure में कमी लानी चाहिए थी और उसमें गुंजाइश बहुत है अब आपको हैरत होगी कि तकरीबन साढ़े आठ सौ अरब हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्विजन ऑफ एसेट्स लाइक फोट कंप्यूटर्स आपकी ये, ये अ, 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 स्टेशनरी इस तरह के जो नॉन सैलरी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के इस वक्त साढ़े आठ सौ अरब है उसमें दस फीसद कमी लाएँ तो पचासी अरब सेव होते हैं उस पर बिल्कुल रुझान नहीं रहा इनका

देखिए हमारे यहाँ अब वक्त ऐसा आ गया है अगर आप मुझे इजाजत दें जी जी. तो मैं ज़रा इतनी अच्छी बात नहीं करूँगा मगर करना मजबूरी है हुँ. आर्टिकल 235 के तहत जब आप फाइनेंशियल इमरजेंसी खुदा न खास्ता जब लगाते हैं हुँ. तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर्स हैं कि वो सैलरी कुछ अर्से के लिए कम भी कर सकते हैं हमारे आइन में मौजूद है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर साल पिछले मुसलसल दस पंद्रह साल से हर साल गवर्नमेंट में सैलरी कम वाज मोर विद साहब ने ज्यादा किया था क्या। hmm. एक वक्त तो 50 परसेंट पढ़ाया था hmm. अब वक्त यह आ गया है कि इस साल देखिए जो फायदे सीनियर अफसरों को सिविल hmm. सर्वेंट्स को हुआ कि उनकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बहुत कम हो गई इसलिए कि आपने एग्जामेशन लिमिट चार लाख से बारह लाख कर दिया hmm. दूसरी तरफ वो सैलरी इंक्रीज तो मिली जो मिलनी थी अब कुछ अरसे के लिए आपको सैलरी एक्सपेंसेस भी कुछ कम करने पड़ेंगे

मुख्तलिफ मुल्कों ने क्राइसिस के वक्त और आपने इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया वहाँ जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हमारे यहाँ जो ग्रेट अठारह उन्नीस के ऊपर लोग जो हैं वो दो साल के लिए उनके केस में अगर आपने मॉरिटोरियम इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रीज कर दिया तो ये एक मुनासिब स्टेप है दूसरी तरफ आपको हैरत होगी कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट इस तरह फलता फूलता रहा है कि इस वक्त चालीस डिवीजनस हैं और दो तो yes. दिस ऑलमोस्ट रॉक्स अप 100% इंक्रीज था करंट एक्सपेंडिचर में ड्यूरिंग दिस पास्ट 5 इयर्स आफ्टर पीएमएल नवाज 18 अमेंडमेंट के बाद hmm. फेडरल गवर्नमेंट कुछ कम हो जाना चाहिए था उसके बरक्स वो तकरीबन 40% साइज में okay. इजाफा हुआ है नंबर ऑफ डिविजंस में You think, uh, uh, before I forget this, I want to ask this question. Do you think IMF is going to try to pressure the government to revisit the 18th Amendment? Yes, which. There, there may know? be some pressure. Because this is definitely. As particularly in terms of the NFC award That's to share right. with respect to the provinces. But Unless, of course, you, you, do, you really shift. I tell you that this not और आइन में ये लिखा है कि जो शेयर एक दफा मुकर हो गया उसको कम नहीं कर सकते कम नहीं कर सकते और मैं ये समझता हूँ कि आपका फेडरेशन कमजोर होता है इस तरह के इश्यूज आप रेस करें आइन के जो बरक्स ना हो दूसरी तरफ जो आपको करना चाहिए था कि जो एक्सपेंडिचर्स आपके कंकरेंट लिस्ट में या लिस्ट टू में है जो प्रोविंस को ज्यादा करना चाहिए वो ट्रांसफर करें कर करें। right. उन्होंने अभी कैपेसिटी करेंट अब जोसिटी और प्रोविंसेस में आप उनके इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें खासतौर हिम देखिए एजुकेशन का जो इशू है you know, like, वो प्रोविंशियल है तो लिहाजा इस वक्त 40 डिविजन्स 200 अटैच और ऑटोनॉमस बॉडीज के करीब है आप व्हाट यू शुड नीड टू डू गेट डॉक्टर फॉर एग्जांपल

प्रोग्राम था वो डिलीशन प्रोग्राम ऑफ ऑटोमोबिल्स थ्रू फिजिकल मूव टारगेट लेटर ऑन आई थिंक ए गुड डिसीजनफ गमेंट इट शुड बी टिफ्री मार्केट ड्रिविन उस वक्त ईडीपी की जरूरत खत्म हो गई थी तो अब उसे वापस लाना नामनासिब था इस तरह बहुत से इदारे हैं जिसकी यूटिलिटी आपको खासतौर पर एटीन अमेंडमेंट के बाद आपको देखना है तो yeah. यह काम करें

Sola secretary ke posts So, yeah. federal bureaucracy is reluctant to give away. That is uh, f feasible. It does not violate the constitution in any way. And the government can do it on its own. Absolutely. It doesn't have to go it to parliament. No, it doesn't no. have to. Yeah. This it is an administrative, executive decision. Mm. And we have a, t a task force on institutional mm -hmm. reforms. Uh, they should be coming on expenditure, expenditure, and current expenditure at Absolutely. that, not development expenditure. Absolutely. Dusra जी major expenditure, obviously we can't uh, at this stage try to reduce the, uh, the, the debt servicing and the you know because that. That's but it. if we manage debt better, we might.

to voluntarily reduce the expenditure for a couple of years. <laughs> 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 Let's talk after the break uh, on this in detail. Uh, Nazrat, please uh, stay with us. <laughs> वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन जी डॉक्टर साहब बता रहे थे अबाउट डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए खास तौर पे जब नेशनल एक्शन प्लान के इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया और जरबे अज़ल हुआ तो उस वक्त तो यकीनन हमें हम एक्स्ट्रा खर्चे करने थे और हमने किया और अल्लाह का फजल है कि हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं और अफसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुल्क को एक बहुत ही बड़े बहरान से निकाला है mm -hmm. काफी हद तक एंड विदाउट दैट डिसीजन, एंडीजन अलबत् पिछले साल फॉर एग्जाम्पल mm -hmm. और ग्रोथ उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ इस साल अलबत् उन्होंने सात फीसद ग्रोथ की बात की है hundred uh, billion you extra spend voluntarily to recover the point is that all fronts we have, have, to, have, to, sacrifice. We have to sacrifice, whether it's the military, whether it's the civil service, whether it's the general public Absolutely. in paying taxes, whether and this is and if we share it throughout our society, hmm. it'll look fair, it'll also be doable, mm -hmm. and Allah fazl say और जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है Pichle uh, saal mein first four months ki is saal mein first four months ki, I believe it has been a 46% yes. decline, yes. and CPEC or China related investment has declined by the by, I think about more than 50, 60% of that 46 is uh, attributed to China. तो वो किस तरफ जा रहा है वो व्हाट कैन वी डू देखिए उसकी एक वजह ये है कि जो आप अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट मैं एक और फैक्टर भी जो? है अनसर्टेनिटी यकीनन कुछ हद तक है इस वक्त आप आए हमें से बात करें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ ये है कि आपका जो पीक आया पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट में विच इज फोर्टी बिलियन डॉलर आउट ऑफ सिक्सटी सीपेक हैज ऑलरेडी इन ए वे टेकन प्लेस

सम वेरी की प्रोजेक्ट्स अब आपको ज्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है yeah, ग्वादर कंप्लीट करना, hmm. yeah. करना है आपका जो कॉरिडोर है वो कंप्लीट करना रेलवे लाइन का डबल करना है सोन तो कोशिश ये होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा ये है कि उसकी फाइनेंसिंग बड़ी कंसेशनल होती है द चाइनी बी वेरी रिजनेबल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू परसेंट इंटरेस्ट रेट एंड ट्वेंटी ईयर्स ऑफ रीपेमेंट तो ये फ्रंट बहुत अहम है हमें सी को सपोर्ट करना चाहिए और मैं खुद ये चाहता हूँ uh, 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 मैं, मैं एक चीज़ पे इशारा आखिरी करना जीज़ चाहता हूँ क्योंकि मैं चाइना पार्ट सेक्रेटरी जनरल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपेरेटिव एडवांटेज है पाकिस्तान का वो ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं है

turnaround but not within the within 100 days not within not within even one year it could be two to three years before we see any change if the government continues to take politically challenging Absolutely. decisions